नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज का विशेष प्रोग्राम चर्चाएं खास। आज हम बात करेंगे शिक्षा जगत की। हमारे साथ यंग और डायनामिक पर्सनालिटी हैं, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर और सीईडी गौरव तिवारी जी। गौरव तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चरण में। बहुत धन्यवाद सत्यम जी। मैं जरा गौरव तिवारी जी के बारे में बता दूँ कि इन्होंने बी किया है, कंप्यूटर साइंस किया है। सर, जब ये मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना तो आपके स्वर्गीय पिताजी कमलाकांत तिवारी जी, मेरी मुलाकात भी हुई थी उनसे, एक आध दो बार मुलाकात हुई, उनका बहुत योगदान रहा, बहुत संघर्ष किया उनने। बेशक उन्होंने ही संघर्ष किया, उन्होंने ही संस्था को 1995 में चालू किया और 1999 में फिर उन्होंने पहला संस्थान मानसरोवर पब्लिक स्कूल के रूप में, जो कि अब एक CBSE एफिलेटेड स्कूल है, उसके रूप में चालू किया। और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बहुत सारे चैलेंजेस आए और मैंने जीवन भर उनको एक संघर्ष की मुद्रा में ही देखा। प्रयास करते रहे कि कैसे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा समाज के हर वर्ग तक वो पहुंचा सके। उनका नेचर ऐसा था, उनका बहुत सरल सहज स्वभाव के थे। मैं जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, मैं बहुत छोटा था, तो उनसे मुलाकात हुई थी तो मतलब बहुत सिंपल ही मुलाकात की, तो उनका नेचर बहुत सहज था। उसके बाद सर, जब आपके पास आपकी छोटी उसी उम्र में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, इतना आसान नहीं रहा होगा। नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैं लकी था कि मुझे बहुत कम उम्र में एक बहुत अच्छे गुरु मिले। वो मेरे पिता ही नहीं अभी तो मेरे गुरु भी थे। तो मुझे याद है कि जब मैं पहली बार भोपाल आ रहा था, उनको कैंसर हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे वापस अपने घर जाके और चीज़ों को, व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। पिताजी के बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता था, पर जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। तो जब मैं पहली बार भोपाल आया था, तो जब पहले दिन पिताजी मुझे अपने साथ ऑफिस लेके गए, तब उनकी कीमोथेरेपी वगैरह चली रही थी, तो उन्होंने अपने कमरे में दो कुर्सियाँ लगवा ली थी, जहाँ वो बैठा करते थे उसके साइड में एक मेरे लिए भी कुर्सी लगवा ली थी। और मैं उनके साथ उस कुर्सी पर कम से कम 6 साल तक लगातार बैठ के मैंने और उनसे चीज़ों को समझा। एजुकेशन के मामले में मुझे लगता है कि जितना ज्ञान उनको था, जितना एक्सपीरियंस के माध्यम से ज्ञान उनको था, उतना किसी और के माध्यम से मिल पाना पॉसिबल था ही नहीं। तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती थी कि मैं सही समय पे जल्दी से जल्दी बाकी सारी चीज़ें छोड़ के और भोपाल आ गया, क्योंकि मुझे जितना समय भी उनके साथ मिला, उस एक एक मिनट, एक एक दिन को मैं चेरिश करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान जितना मैंने सीखा, उतना शायद आज से लेकर मेरे जीवन के आखिरी दिन तक भी मैं अगर प्रयास करूँगा तो नहीं सीख सकता। गौरव तिवारी जी को बहुत ही छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी मिली, ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर बनी, उसके बाद जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया उन्होंने। सर, एजुकेशन को लेकर आपकी क्या नीति है, आप क्या सोचते हैं एजुकेशन को? देखिए, शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो भारत एक ऐसा विश्व, एक ऐसा देश है विश्व में जिसमें शिक्षा की व्यवस्था की हर तरह की रिक्वायरमेंट है। हमें क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे प्रेजेंट GER को, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो होता है कि 12वीं के बाद अगर 100 बच्चा 12वीं पास करके निकल रहा है, तो उसमें से 26.5 बच्चा, मतलब 26.4 के आसपास हमारा GER है, तो 100 में से वो 26 बच्चा ही हायर एजुकेशन में जा पा रहा है। तो यह भी बेशक बिल्कुल सही है कि हमको क्वांटिटी की आवश्यकता है, और साथ में हम क्वांटिटी के चक्कर में ऐसा नहीं कि ख़राब डॉक्टर ख़राब इंजीनियर बना लें, क्योंकि फिर वो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में ख़राब रूप से रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा फोकस एक एजुकेशनिस्ट के रूप में दोनों चीज़ों पर होना चाहिए, कि हम किस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। देखा गया है कि छात्र अपनी समस्या लेकर आपके पास ही आते हैं, आप बड़े सरल और सहज स्वभाव से उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। बेशक, देखिए, छात्रों को सर्विस देना, उन तक अच्छी शिक्षा को पहुंचाना, वो जब तक हमारे संस्थान में तब तक वो कंफर्टेबली रह सके, उनको खाना समय पे मिलता रहे, अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं तो बिजली पानी आदि उनको समय पे मिलता रहे, इन सभी चीज़ों की देखरेख करना तो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि संस्था जो स्पॉन्सरिंग बॉडी, जो श्री साई ग्रामोत्थान समिति है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करना है, उसकी ज़्यादा है। क्योंकि एकेडमिक्स का, पढ़ाई लिखाई का काम, शिक्षा दीक्षा का काम तो प्राइमरीली टीचरों का है। जो हमारे यहाँ गुरुजन हैं, वो हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जान है, और बच्चों तक शिक्षा को पहुँचाना उनका काम है। परंतु उसके अलावा जितनी भी उनकी दूसरी समस्याएं होती हैं,
उसके लिए वो किसके पास जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ओपन माइंड के साथ हमको यहाँ पे बैठना है, मुझे ही नहीं हम मेरी पूरी टीम को ये लगता है कि हमको यहाँ पे ओपन माइंड के साथ बैठना है। और हम लोगों ने ओपन डोर पॉलिसी बना के रखी है, कोई भी कभी भी वॉक इन कर सकता है, हमसे अपने सवाल पूछ सकता है, कई बार सवाल कठिन भी होते हैं, पर यह मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, भौतिक जिम्मेदारी भी है कि हम उनके सभी सवालों का जवाब दें, उनकी परेशानियों को सॉल्व करें। हमसे भी कुछ गलतियां होती रहती हैं, हम कोशिश हम ये सारी गलतियां ना हो ऐसा तो शायद नहीं हो सकता, हर व्यक्ति से होती है, हर संस्था से होती है, पर हम ज़रूर प्रयासरत रहते हैं कि अगर हमसे कहीं कोई गलती हो गई और वो प्रकाश में आई, हमारे सामने आई, तो हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें ताकि बच्चों को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट ना हो। मैंने सुना जब आपके पिताजी पहली बार भोपाल आए थे तो वो ट्रक में चढ़कर आए थे, कुछ एमटेक में उनका एडमिशन हुआ था, वो किस्सा थोड़ा सा वो ट्रक में चढ़कर वाला सीन तो थोड़ा अलग लग रहा है, पर चढ़कर नहीं पर बैठकर ज़रूर आए थे। मेरे दादाजी पुलिस में थे और डीएसपी होके 1983 या 82 में रिटायर हुए। 1975 में पिताजी ने 11वीं करी और 11वीं करने के बाद उनकी स्टेट में कच्ची रैंक बनी, मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे वो, तो उनका एमए सिटी में से कॉल आया उनको कि आप आके एडमिशन लीजिए, उनका भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का बड़ा मन था। तो कॉल आने के बाद फिर कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है, फ़ीस वगैरह जमा करनी होती है, उस समय तो खैर सरकारी फ़ीस जमा करती थी, आपको केवल रिपोर्ट करना होता था। तो दादाजी छिंदवाड़ा में पोस्टेड थे, छिंदवाड़ा के बाहर बैरिकेडिंग वगैरह हुई थी ट्रक वगैरह के आने के लिए, उनकी चेकिंग वगैरह के लिए, तो उन्होंने पिताजी को अपने साथ बाइक में बिठाया और वहाँ पे बैरिकेडिंग जहाँ पे थी वहाँ पे लेके गए, और वहाँ पे एक ट्रक वाला जो थोड़ा साफ सुथरा सा दिखा उसको पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, उसने बोला भोपाल जा रहा हूँ, तो उन्होंने पिताजी को बिठा दिया, बोले बेटा ये तुम्हें भोपाल ले जाएगा, पुराने भोपाल में ला के उनको छोड़ दिया। और फिर यहाँ पे हमारे कुछ भोपाल में, नए भोपाल में मतलब अभी जो करंट 45 बंगला जो बेतवा अपार्टमेंट्स के आसपास, वहाँ पे कुछ उनके रिलेटिव रहते थे, तो वो जो होल्डाल था उस समय सूटकेस और ये सब तो होते नहीं थे, तो जो अभी भी आज भी मेरे पास वो होल्डाल रखा हुआ है उनका, तो वो होल्डाल को सर पे रख कर और वो 45 बंगले गए, और वहाँ से उनके जो रिलेटिव थे, जो उनके मौसा थे, उन्होंने एम ए सिटी में उनको छोड़ दिया, और फिर वहाँ से उनका एक छात्र के रूप में, एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में जीवन चालू हुआ। तो ये उनकी भोपाल आने की कहानी है। और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करी, फिर उन्होंने मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन भी एम ए सिटी से किया, और फिर उनको नॉर्वेजियन स्कॉलरशिप मिल गई, तो उन्होंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की जो फेलोशिप थी वो नॉर्वे में ट्रॉन्डहाइम यूनिवर्सिटी है वहाँ से किया। सर, आपको बहुत सी छोटी सी उम्र में बड़ा एक्सपीरियंस मिला, जिम्मेदारी भी पहले ही आ गई। मैं जब आपने पहला प्रोजेक्ट किया तो आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, और मतलब इस प्रोजेक्ट में आपने ऐसा क्या जो पिताजी के समय में ही हमने स्टार्ट कर दिया था? देखिए, प्रोजेक्ट तो मेरा पर्सनल तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे हमारी संस्था के, श्री साई ग्रामोत्थान समिति के हैं, पर हाँ कि मुझे जो पहली जिम्मेदारी संस्था ने और संस्था के चेयरमैन मेरे पूजनीय पिताजी ने दी थी, वो एक आयुर्वेदिक संस्थान चालू करने की दी थी। तब मैं 23 साल का था 2013 में, और आयुर्वेद संस्थान की तैयारियां हमने उस समय चालू कर दी, आयुर्वेदिक अस्पताल एक ऑलरेडी उस समय चल ही रहा था। तो 2015 में हमने आयुर्वेदिक कॉलेज चालू किया, और वैसे तो वो टीम एफर्ट था, पर मेरे लिए वो एक पहला एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे मुझे संस्था के द्वारा एक मेजर जिम्मेदारी दी गई थी। तो आयुर्वेद कॉलेज को मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में लाना एक पहली जिम्मेदारी थी। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आप दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कुछ आपके बारे में, दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी और आपने क्या एजुकेशन की, हालांकि मैं थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है, लेकिन देखिए मैं तो एक
एक इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा, और 2007 में मैंने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर में ज्वाइन किया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद एक डेलॉयट करके एक कंसल्टिंग एंड ऑडिटिंग फर्म है, उसमें कुछ समय काम किया, बहुत बहुत संक्षिप्त समय के लिए काम किया, और फिर वापस भोपाल आके फिर अपना एम टेक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से किया। अब मेरा ये प्रयास है कि जब भी मुझे समय मिले तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ रिसर्च वर्क करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि 3-4 साल में कभी ना कभी ये काम मैं चालू कर पाऊँगा। यूनिवर्सिटी में और कोर्सेज आएंगे, जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके अलावा? बिल्कुल, देखिए हमारा ये कोई डिमांड एंड सप्लाई वाला काम नहीं है, हमारी कोशिश ये है कि हम जैसी व्यवस्थाएं बना सके, फॉर एग्जांपल फैशन टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं, तो फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स जो है, जो BFD है, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन है, उस कोर्स को चलाने के लिए जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फुलफ़िल करना उतना आसान शायद नहीं है, पर हमारा यह प्रयास रहता है कि हम जब भी उन नॉर्म्स को फुलफ़िल करने की स्थिति में आ सकें तो हम उस कोर्स को चालू करें, पर क्योंकि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ फाइनेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कुछ हद तक हमको वायबिलिटी भी देखनी पड़ती है कोर्सेज की, कि कम से कम इट्स अ नो प्रॉफिट डेफिनेटली, पर नो प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा संस्था रिसोर्सेज तब तक नहीं लगा सकती जब तक कि एक बेसिक वायबिलिटी ना निकल के आए, कम से कम रिकरिंग एक्सपेंडिचर हमारा उस पर्टिकुलर कोर्स का ना निकलने लगे, इसलिए थोड़ा बहुत गणित करना पड़ता है, परंतु हमारा प्रयास ही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज डिलीवर कर सकें, और कुछ समय से मैं और मेरी टीम और पूरा मानसरोवर में जो हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे नए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज लेके आएँ जो कि बच्चे को और एम्प्लॉयबल बनाते हैं। आपका ध्येय रहा है कि छात्रों का विकास हो, फिजिकली भी हो, मेंटली भी हो? बिल्कुल, फिजिकल विकास तो बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे लगता है कि फिजिकल विकास और मेंटल विकास दो अलग चीज़ें नहीं हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, और मानसिक आप शारीरिक एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनको हम बोलते हैं वो हमेशा देखा है कराते रहते हैं, बहुत कराता हूँ, मेरा खुद का शौक भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक कंप्लीट पर्सनालिटी का ये हिस्सा होता है कि आप जितना कमरे में बैठ के किताबों से पढ़ाई करते हैं उतना ही ज़्यादा बाहर निकल के सोशलाइज भी करें, और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक तरह से बच्चों के बीच में इंटरेक्शन को प्रमोट करने का, उनके बीच में एक सोशल वेलबींग को प्रमोट करने का बहुत अच्छा तरीका। फुटसेल भी आपने स्टार्ट किया था, फुटसेल गेम? हाँ, फुटसेल एक नया कॉन्सेप्ट था, हमने ये देखा कि फुटबॉल में 11 बच्चों की टीम बननी मुश्किल होती है, इसलिए हमारे देश में शायद फुटबॉल इतना पॉपुलर नहीं है, तो हमने एक फीफा के नॉर्म्स के हिसाब से हमने 7 vs 7 मतलब 7-7 लोगों की टीम वाला फुटसेल का एक कोर्ट बनाया है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और हमने सब जगह उसमें क्लैडिंग भी करके रखी है, शॉक पैड्स वगैरह लगाए हुए हैं ताकि जो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे उनकी इंजरीज 90% तक कम हो। सर, देखा गया है कोरोना में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, आप इसको किस तरह देखते हैं, अब एजुकेशन का पैटर्न क्या रहेगा आगे आने वाले टाइम में? देखिए, आप यही सवाल मुझसे 6 महीने पहले पूछते तो मैं बड़ा एक्साइटेड था ये देख के कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, पर 1.5 साल से कोरोना में कोरोना की वजह से जो बच्चा घर पे बंद है, मेरे और आपके हम सबके परिवार हैं, बच्चे हैं घर में, तो हमने भी आपने भी ये शायद नोटिस किया होगा कि वो एजुकेशन जो एक क्लासरूम में फिज़िकली मिलती है वो एजुकेशन मुझे नहीं लगता किसी भी ई क्लासरूम से या किसी भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्वालिटी नहीं मिल पाती। दूसरा, लैबोरेटरी में बच्चा जब जाता है, जब फिज़िकली चीज़ों को टच एंड फील करता है तो उसकी जो मेमोरी होती है उसके पास एक सेंस का रिफरेंस नहीं रहता। अभी क्या होता है, केवल आप जब एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो आप केवल चीज़ों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, तो आपके दो सेंसेस इन्वॉल्व हैं,
जबकि जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तो आप टच भी करते हैं, आप स्मेल भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो बहुत सारे पंजेंट स्मेल है, ये है, उस बारे में भी लोगों को समझाते हैं। तो आपके मोर देन टू ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड, आपके मोर देन टू सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड। आप स्मेल भी कर रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस हम आज भी, और मुझे लगता है आज से 10 साल बाद भी, बच्चे को घर बैठा के तो नहीं दे सकते। लगभग 55 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है, वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है। दो डोज भी 22 करोड़ या 12 करोड़ के लगभग समथिंग हो चुकी है। तो क्या लगता है बच्चों की भी वैक्सीन आ गई है, तो क्या लगता है वापस हम वैसी एजुकेशन में लौट पाएंगे? देखिए, लौटना तो चाहिए, हम लोग सब लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और डिले हो, पर डिले इज़ नॉट डिनाइल। 100% हम लोग वापस उसी फॉर्मेट में वापस लौटेंगे। 100% आने वाले समय में हमारे बच्चे फिर से स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकेंगे, पार्क में जाके खेल सकेंगे, प्ले ग्राउंड में जाके खेल सकेंगे, हमारे साइंस सेंटर में जाके मॉडल्स को देख सकेंगे, थीम पार्क्स में जाके झूले वगैरह एंटरटेनमेंट की चीज़ों को देख सकेंगे, सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर्स देख सकेंगे। क्योंकि आप क्योंकि अगर अगर ये घर पे बैठ के और डिजिटल रिसोर्सेज के साथ, मुझे नहीं लगता कि जीवन चल रहा है। मोबाइल से बच्चे एडिक्टिव भी हो रहे हैं, वो साइड इफेक्ट आ रहा है उसका? नहीं, देखिए, एक स्क्रीन का एडिक्शन होता है। आजकल जो जिम्मेदार कंपनियां हैं वो आपका स्क्रीन टाइम भी बताती हैं, आपके सेलफोन पे आपको पता चलता है कि कितनी देर तक आपने उस स्क्रीन को देखा बैठ के। तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। ओबेसिटी बढ़ेगी बच्चों का कंसंट्रेशन के इश्यूज़ होंगे। दूसरी बात यह है कि वो घर में भी इंटरेक्शन कम हो गया है। घरों में भी बच्चा मोबाइल में बैठा रहता है, माता पिता अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं, और सबकी वो मोबाइल में एक अलग दुनिया चल रही है। तो ये जो परिवार का कॉन्सेप्ट है वो भी डाइल्यूट होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हमारी मतलब व्यक्ति की व्यक्तिगत सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और समाज की सामाजिक सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कोरोना काल में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी या बोले तो हॉस्पिटल ने लोगों की मदद की? देखिए, सभी ने अपने अपने लेवल पे मदद करी, पर मानसरोवर ने क्या किया मैं संक्षिप्त में बता सकता हूँ। मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज के हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने 2020 में जब कोरोना की प्रथम लहर आई थी, तब सेवा भारती जो कि संघ का एक प्रकल्प है, उनके साथ मिलकर करीब 1.5 लाख काढ़े भोपाल शहर में बांटे। 50 ग्राम के छोटे पैकेट जो है वो शहर भर में फ्री ऑफ कॉस्ट, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े। इम्यूनिटी आपने भी शायद खाए थे तो ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े हमने शहर में बांटे। इसमें पुलिस स्टेशन में हमने भेजे, हमने स्टेशन रेलवे स्टेशन अपना एयरपोर्ट्स पे भेजा, पब्लिक प्लेसेस जो दूसरी हैं, और ऐसे लोग जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे जैसे आप लोग हैं, प्रेस और मीडिया कर्मी जो हैं, तो हमने सब लोगों तक काढ़े पहुंचाने का प्रयास किया। और मुझे लगता है कि उससे इम्यूनिटी लोगों की इम्प्रूव हुई, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक फ़ायदा ज़रूर पहुंचा। साथ में इस साल जब हमने देखा कि हमारे ही अपने लोगों के बीच में हमने देखा कि वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं समय पे, NIVs नहीं मिल रहे हैं, और क्योंकि जो जिस चीज़ की कल तक 5 वेंटिलेटर्स की शहर भर में आवश्यकता पड़ती थी, वो एकदम से 5,000 पड़ने लग जाए, तो जो समस्या हुई वो तो वाजिब थी, वो होगी। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करता, परंतु जब हमने देखा कि इस तरह से परेशानी हो रही है, तो मैंने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर 12 दिन में एक कोविड यूनिट चालू किया। 30 बेड का ये यूनिट था, ऑक्सीजन की एम्पल व्यवस्था थी। सेवा इंटरनेशनल ने हमको वेंटिलेटर्स डोनेट किए, और NIVs CPAP BiPAP मशीन्स वगैरह हमने खुद से प्रोक्योर करी, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ हमने एक कंप्लीट यूनिट उस समय लगाया था। और कुछ नहीं तो करीब 250 से 300 लोगों का उस दौरान, उस एक महीने के दौरान हमने इलाज किया, और मोर्टैलिटी भी बहुत कम रही, ज़्यादा कैजुअलिटीज वगैरह भी नहीं हुई। तो एक प्रभु की कृपा रही कि हम उस समय सेवा कर पाए। सर, दर्शकों को हमारे एक छोटा सा संदेश दीजिए, एक संदेश कि कोरोना से बचने के लिए इस समय अभी क्या करना चाहिए? देखिए, सिंसियरली मास्क पहनिए,
सिंसियरली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और घर से बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलिए। आपके हाथ में, आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों की भी सेहत जुड़ी हुई है, इसलिए ज़िम्मेदारी को समझिए और समझ के बहुत मैच्योर रूप से बिहेव करें, बहुत मैच्योर डिसीजंस लें। नहीं तो जो सेकंड वेव में हुआ वैसा आप थर्ड वेव और फोर्थ वेव में ना हो, हम सबको मिलके इस बात का पूरा प्रयास करना है। तो ये थे हमारे साथ मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर गौरव तिवारी जी, जिनका साफ कहना है कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है, कोरोना के नियमों का पालन करना है, फिर एक बार हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नई डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।